नमस्कार देखो बीपीएससी सत्तर अभी भी क्लियर नहीं है लेकिन अब माहौल बीपीएससी का सत्तर का का नोटिफिकेशन जारी होने का बनने लगा है और जैसा कि बीपीएससी ने ही खुद ही डिक्लेयर किया हुआ था कि 31 अगस्त तक वो वैकेंसीज का इंतजार करेंगे और उसके बाद वो कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं अभी बीपीएससी का जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वो ये है कि बीपीएससी पी इंटरव्यू का जो इंटरव्यू uh, के लिए जो मेंस का रिजल्ट उन्होंने जारी किया बिहार फाइनेंस बिहार जुडिशियल uh, सर्विसेज का जो मेंस का रिजल्ट उन्होंने जारी किया हुआ है एक फाइनेंशियल ऑफिसर का रिजल्ट उन्होंने जारी किया हुआ है बीपीएससी पी सिक्स में ही शामिल है वो ठीक है तो ये सारा जो रिजल्ट उन्होंने जारी कर रखा है उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल वेरिफिकेशन उसमें बीपीएससी अभी एस बिजी लेकिन ये सारे बिजी होने का मतलब ये नहीं है कि बीपीएससी पी सत्तर में कोई अब ज़्यादा विलंब होने वाला है इसके नोटिफिकेशन में डेट भी आ चुका है जैसे कि हमने पहले का बीपीएससी सत्र का हमारा जो वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने बताया था कि अब संभावना इस बात की व्यक्त बिल्कुल संभावना आने लगे थी कि तीस सितंबर को बीपीएससी का पीटी का सत्तरवीं का पीटी का एग्जाम नहीं हो पाएगा और ये टलेगा और टल करके हमने बताया था कि ये दिवाली और छठ के बाद जाएगा और दिवाली छठ के बाद कभी भी और ये भी हमने कहा था कि ये और ज़्यादा नवंबर में ही होगा ये उससे ज़्यादा नहीं टल सकता उसके लिए हमने स्टोरी भी बताई थी कि किस तरह से बीपीएससी का मानना ये है कि भाई दिसंबर में या जनवरी में पीटी का एग्जाम नहीं हो सकता क्योंकि ठंड का मौसम होता है और उस ठंड के मौसम में जो तो बच्चे तीन चार लाख बच्चे मूवमेंट करते हैं पीटी का एग्जाम देने के और सबके लिए अकोमोडेशन नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में बच्चों को स्टेशन पर ही सोना पड़ता है तो इतनी ठंड में इतना कष्ट बीपीएससी नहीं देगा तो इस सब बैकग्राउंड बताते हुए मैंने बताया था कि बात की पूरी संभावना है कि इस बार का एग्ज़ाम जो तो छठ और दिवाली दिवाली और छठ है उसके जस्ट बाद होगा आप उसको जाके वेरीफाई कर लेना देखिए और बी पी ने बाद में 30 सितंबर का एग्ज़ाम नहीं होना और फिर 17 नवंबर का उन्होंने डेट भी जारी कर दिया कि इस डेट को उन्होंने संभावना व्यक्त करी है कि इस डेट को वो एग्ज़ाम ले लेंगे अब नोटिफिकेशन की बात है और नोटिफिकेशन को लेकर के भी काफ़ी न्यूज़ में चर्चा है कहीं हमने देखा किसी अखबार में लिखा कि बी पी सत्र में आठ से अधिक रिक्तियाँ तो सीट है अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आया जिसमें कि ये मेरे सामने है पंद्रह सितंबर से पहले विज्ञापन विज्ञापन नवंबर में पीटी मार्च में मेंस का एग्जाम होगा ये सारा डेट इन्होंने और उसके साथ साथ उन्होंने तो ये भी दे रखा है कि किस तरह से पंद्रह से ज़्यादा पद इसमें आने के ये पहला लाइन भी इम्पोर्टेंट देखो इसका जो शुरुआती लाइन है ये शुरुआती लाइन भी इंपॉर्टेंट है जैसे ये वाला जो है ये भी आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है इससे अच्छा न्यूज ऐसी अच्छा न्यूज़ बीपीएससी की जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए हो ही नहीं सकता अब ये कितना सही कितना गलत होगा ये नोटिफिकेशन में पता चलेगा लेकिन फिर भी कोई अगर पॉजिटिव बात कर रहा है तो उसको हम क्यों निगेटिव माने हम क्यों उसके ऊपर संदेह करें ये अखबार है रिप्यूटेड अखबार है दैनिक भास्कर पटना में खूब चलता है और उस अखबार के द्वारा अगर इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं तो हम उसको अपने आप को दुखी रखने के लिए हम उसको काट नहीं सकते हम उसको मान लेते हैं अभी के टाइम पे जब तक कि ये पूरी तरह से टोटल सीट के बीपीएससी के नोटिफिकेशन में सीट की संख्या क्लियर नहीं हो जाता है और एक और बात है कि बीपीएससी के नोटिफिकेशन में सीट की संख्या क्लियर होने के बाद भी बाद में भी बहुत सारे वैकेंसी जो डिपार्टमेंट से मिलते हैं वो ऐड होते हैं ठीक है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि नोटिफिकेशन में जितने सीट डिक्लियर होगा उतना ही वही अंतिम सीट नहीं होगा बाद में भी और सीट आकर के उसमें जुड़ेंगे तो पॉजिटिव सोच के साथ अगर देखें तो हम इसी को अगर सच मान लें तो ये इसका मीनिंग ये होने जा रहा है कि बीपीएससी पी अब तक का सबसे बड़ा एग्जाम होने जा रहा है क्लियर है बीपीएससी पी चौंसठ बहुत बड़ा एग्जाम था चौदह उसमें नियुक्तियां की गई थी चौदह सौ सन्तावन में से वैकेंसी था लेकिन चौदह सौ सात सीटों तो पर लोगों की नियुक्ति की गई थी तो उसमें जाएंगे तो अब तक का सबसे बड़ा चौंसठवीं है लेकिन चौंसठवीं से भी ये दो मामले में बहुत अच्छा एग्जाम होने जा रहा है बीपीएससी पी सत्तर का एक इस इंफॉर्मेशन को अगर सही माने तो ये उस वैकेंसी से ज़्यादा हो रहा है पंद्रह से और दूसरी बात कि बीपीएससी पी चौंसठ में बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट नहीं थे एस डी एम के बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का या बिहार पुलिस सर्विस के बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट नहीं थे ठीक है इस वाले में इसके साथ सबसे अच्छी बात है कि नोटिफिकेशन में ही खुद ही देख लो लिखा क्या लिखा हुआ है आर डी ओ की तीन सौ तिरानवे पोस्ट अभी आर डी ओ का तीन तीन सौ तिरानवे पोस्ट कैसे हो सकता है पाँच सौ चौरानवे आप जानते हैं पाँच सौ चौंतीस टोटल ब्लॉक हैं बिहार में ये पाँच सौ चौंतीस जो ब्लॉक है तो एक बार बड़ी भारी भर्ती हुई थी डी ओ की तिरपन पचपन में और तिरपन पचपन में जो भर्ती हुई वे सारे लोगों ने अस्सी लोगों का अब प्रमोशन हो गया डी के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एजेंसी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट है उस लेवल पे लोगों का प्रमोशन हो गया और आर के साथ सबसे अच्छी बात है कभी भी आर का पोस्ट हो तो, तो प्रायोरिटी में ऊपर रखा जाता है क्यों ऊपर रखा जाता है एक तो बड़ा फंक्शनल पोस्ट है वो वो जनता के बीच में आप पी में जाते ही हैं जनता के बीच में काम करने के लिए और आरडीओ और आर डी ओ का जो पोस्ट होता है वो सीधे जनता से जुड़ा हुआ पोस्ट होता है रूरल डेवलपमेंट अफसर जिसको पी के नाम से भी जाना जाता है और उसके बाद ये पद है लेवल सेवन का लेकिन जो प्रमोशन हुआ वो एक ही बार लेवल सेवन से उठा करके लेवल ग्यारह में दे दी लेवल सेवन से लेवल आठ नहीं हुआ नौ नहीं हुआ दस नहीं हुआ सीधे लेवल ग्यारह में भेज दिया और डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोस्ट मिल जाता है क्लियर है तो इसलिए तो आरडीओ के तो ये जो प्रमोशन हो रहा है जो तिरपन पचपन बैच के जो आर डी ओ हैं बी हैं उनका प्रमोशन हो रहा है तो वो जो पोस्ट खाली हो रहा है उसके लिए बी पी में ये संभावना है कि तीन सौ तिरानवे पोस्ट रहे या हो सकता है कि इससे ज़्यादा ही हो ठीक है दूसरा देखो आर का दो सौ के दो पद इसी तरह से डी के भी तो ये सारे पद अब एस के दो पद हैं ये साठ बी पी एस में ढाई पोस्ट आया था एस का छप्पन तो उनसठ में कम था लेकिन जा करके साठ बासठ में ढाई सौ पोस्ट आए थे एस डी के जो अभी के डेट में कई जगह पे ये सब एस डी के रूप में काम कर रहे हैं कई जगह डी सी के रूप में काम कर रहे हैं सबको अच्छे अच्छे सब जगह पे उनकी प्रोटोकॉल में सबसे अच्छी बात है कि प्रोटोकॉल में ऊपर होते हैं पी में जितनी नियुक्तियाँ होती है या अदरवाइज तो उसमें जाएंगे तो प्रोटोकॉल में ऊपर होते हैं जिला के स्तर पर होते हैं सब डिवीजन लेवल पर अपॉइंटमेंट होता है लेकिन जिला लेवल पर जब सब डिविजन में पोस्ट खाली नहीं रहता है तो जिले के स्तर के पद इनको दिया जाता है प्रशासनिक सेवा वाले लोगों के लिए ये सब सब मिला के ये जो पहला जो इन्फॉर्मेशन है ये निगेटिव नहीं है ये अच्छा है ये सूचना बहुत अच्छी सूचना है इससे अच्छी सूचना बीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए नहीं हो सकता अब अब सेकेंड इन्फॉर्मेशन अब सेकेंड इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए हम इसके लिए अनुमान लगाएं इससे अच्छा है कि क्या करें इसका फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट सबसे सुंदर सबसे कहा जाए कि खुशी करने वाला इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है पंद्रह सितंबर से पहले विज्ञापन आएगा है आ जाएगा हम भी उम्मीद कर रहे हैं मैं भी अभी बता रहा था कि जिस तरह से बीपीएससी में हलचल स्टार्ट हुआ है तो उस हलचल में बीपीएससी पी सत्तर का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और जब आएगा तो जो हमारे इंतजार थे वो इंतजार खत्म हो जाएंगे जो हम लोगों ने कई सारे वीडियो बनाए इसको तो लेकर के वो सारा इंतजार खत्म हो जाएगा और एकदम से नोटिफिकेशन आ जाएगा सब चीजें सामने सामने हो जाए तो वो उस मूवमेंट का इंतजार किया जा रहा है ठीक है तो इस अखबार के अकॉर्डिंग क्या है पंद्रह सितंबर से पहले विज्ञापन आ जाएगा नो नवंबर में सत्रह नवंबर को पीटी है ये भी क्लियर हो चुका है मार्च में, में मेंस है सत्रह नवंबर को अगर होता है पी हो जाता है तो फिर उसके बाद पूरा दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च का आधा होली के आसपास और फिर इधर नवंबर सत्रह नवंबर के बाद का बारह तेरह दिन कुल मिला के आपको मेन्स की तैयारी के लिए चार महीने का टाइम मिलेगा अभी के टाइम पर जाएंगे तो ढाई महीने का टाइम आपको मिल रहा है दो महीना दस दिन का टाइम है और उधर मेन्स में जाएंगे तो चार महीने का टाइम मिलता है तो इस चार महीने में ये ढाई महीने में पीटी और अगले चार महीने में मेंस की तैयारी करके आप अधिकारी बिहार में अधिकारी बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं तो कल टीचर्स डे था टीचर्स डे के दिन यहाँ पे आस्थाई इसमें बच्चों ने बड़ा अच्छा सब तैयारी व्यारी किया था एक टीचर्स के रूप में हमें भी बोलने के लिए कहा गया कि भाई आप भी कुछ बोलिए बच्चों अपना जो भी बाकी तो हम लोग क्लास में जब जाते हैं तो सिलेबस पढ़ाते हैं लेकिन यहाँ पे मैं वैसे सिलेबस के साथ साथ बीच बीच में हर 20-25 मिनट पर कुछ कुछ बातें ज़रूर करता हूँ मिसलिनियस बातें करता हूँ और वो हमारे टीचिंग आर्ट का पार्ट है किसी भी आदमी का दिमाग किसी भी एक टॉपिक पर बीस पच्चीस मिनट से ज़्यादा कंसेंट्रेटेड नहीं रहता है बीस पच्चीस मिनट बात करने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें और फिर बीस पच्चीस मिनट फिर थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें ये हम लोग दो दो घंटा ढाई ढाई घंटा जो यहाँ पढ़ाते हैं उसमें ये सब काम करते हैं लेकिन कल मेरा बस एक ही चीज़ था ये कहा जाए कि आपकी चाहत आपके पेरेंट्स की चाहत के साथ साथ आपके टीचर्स की चाहत ये है कि ये बी में जो ये वैकेंसी आ रहा है पंद्रह सौ की जो वैकेंसी है इस वैकेंसी में से आप ज़रूर अपने लिए बाकी हमारे ऊपर हमारे यूट्यूब के ऊपर निगेटिव कमेंट करें जो करें सब करिए लेकिन साथ में अपने बारे में भी थोड़ा सोच लीजिए प्रशांत किशोर जी बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि बिहार के जो पेरेंट्स होते हैं वो लालू जी के बेटे के बारे में जरूर सोचते हैं अन्य नेताओं के बेटे के बारे में सोचते हैं अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचते मेरा मानना यह है कि हमारी जितनी आलोचना करनी हो जो तो भी निगेटिव कमेंट करना हो आप अपने संस्कार के अनुसार उसको करिए ठीक है हम तो भाई यहाँ पे हैं गुरुकुल का सिस्टम नहीं है और डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन खैर आपको लेकिन अपने बारे में भी सोच और अपने बारे में सोचने में ये बिहार में जो सरकारी नौकरी बाहर आने जा रही हैं आगे की तरफ एक पद अपने ले लीजिए जीवन सुधर जाएगा और उसके बाद घर जीव आपका जी खुद का जीवन सुधर जाएगा अगला जनरेशन सुधर जाएगा आपके जो भाई बहन हैं आपके ऊपर डिपेंडेंट जो लोग हैं सबका कहा जाए कि सामाजिक रूप से मानसिक रूप से इकोनॉमिक रूप से हर तरह से तरीके से, से ये जो आपकी सफलता होगी वो सफलता सबके जीवन में बदलाव लाएगा सकारात्मक बदलाव लाएगा और आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने चॉइस के अनुसार जनता के बीच में अपने पद के दायित्वों के अनुसार काम करके भी एक और समाज के लिए भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं लिए यूट्यूब पे जो भी कमेंट लिखना हो लिखिए लेकिन उसके बावजूद एक काम जरूर करिए तो ये है कि अपने बारे में सोच और अपने बारे में सोच करके ये पंद्रह सौ जो पद आ रहा है उसमें एक पद ले लीजिए इससे इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती है और कहा जाए कि क्या आप कर सकते हैं इसको मेरा मानना है कि जरूर कर सकते हैं अभी भी ढाई महीने का मतलब होता है कि कम सत्तर दिन समय सत्तर दिन अगर दस दस घंटे करके पीटी पे भी देते हैं तो सात सौ घंटा टाइम हुआ सात सौ घंटे में एक घंटे में अगर एक एक चैप्टर भी पूरा करते हैं एक एक टॉपिक भी पूरा करते हैं मुद्रा स्फीति जैसे इन्फ्लेशन हुआ बैंकिंग हुआ आर हुआ तरह से जा रहे नेशनल इनकम का हुआ फॉरन ट्रेड का हुआ नीति आयोग का हुआ योजना आयोग का हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का हुआ ऐसे ऐसे एक एक घंटा भी टाइम दोगे तब भी हमें लग रहा है कि 100 डेढ़ सौ से ज़्यादा टॉपिक नहीं है और डेढ़ सौ टॉपिक को पांच बार पढ़ने का भी, भी आपके पास दस ही घंटा अब तो जब डेट डिसाइडेड है इतना इम्पोर्टेंट तो वैकेंसी है तो दस घंटा ही क्यों पढ़ेंगे आप चौदह घंटा बाकी चौदह घंटा क्या करेंगे आपके टाइम पे क्या करेंगे आप चौदह घंटा सोलह घंटा केवल पढ़ेंगे खाना और सोना अब सोने सोएंगे भी उतना ही देर जिससे कि आपको आपकी पढ़ाई में मदद मिले आराम करने के लिए नहीं सोएंगे पढ़ाई में अच्छा कंसंट्रेशन बने और आप स्वस्थ रहें इसके लिए आप सोएंगे मैंने हर कुछ आपकी जो अगला रूटीन होगा आगे आगे जो चार महीना और ये दो महीना छः महीने का जो रूटीन होगा वो सब कुछ अपनी सफलता ये जो तपस्या आप करेंगे इस तपस्या का फल आपको अच्छा मिलेगा और ये आप निश्चित रूप से हमारे जो सिस्टम है उस सिस्टम में चार महीने में मेंस में में का तैयारी और प्रिपरेशन और रिवीजन हो जाएगा बस अलते आपको वही 12, 14 घंटे 15 घंटे मेहनत करने पड़ेंगे और अभी जो ढाई महीने का टाइम है इसमें पीटी की तैयारी हो जाएगा पहले से आप जरूर पढ़े होंगे अगर बीपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो पढ़े होंगे अब जो भी नोट्स आपने बना रखा है या नोट्स आपके पास है उसको तो लेकर के आप उसको दस बार पढ़ जाइए दस बार पढ़ जाएंगे तो आप क्वेश्चन सही होने लगेगा और फिर वही बात है कि डेढ़ में डेढ़ सौ सही करना है पिछली बार कट ऑफ इक्यानवे गया था लड़कियों का कट ऑफ एट्टी सिक्स गया था तो आप सौ का भी पचास क्वेश्चन हर तीन में से एक क्वेश्चन छोड़ने का विकल्प आपके पास है अपने पूरे जो सिलेबस है उस सिलेबस का वन थर्ड छोड़ देते हैं एक तिहाई छोड़ देते हैं दो तिहाई को दस बार पढ़ जाते हैं तब भी आप क्वालिफाई ठीक है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऐसा मौका मैंने आपको अपनी पढ़ाई में अर्जेंसी लाने की जरूरत अर्जेंसी मतलब होता है जैसा नहीं होता है कहीं किसी से मिलने जाना को, कोई बहुत प्रियजन है उसके मिलने जाने के लिए एकदम हाँ सब चीज़ तोड़ तोड़ताड़ते हुए आप आगे की तरफ बढ़ते हैं उस तरीके से पढ़ाई करने की जरूरत है आस्था ये सिर्फ में आपको जो मदद कर सकता है वो मदद इसमें यह है अगर आपको हमसे तो जो कुछ सारा टेस्ट पेपर तो नहीं लेकिन दो पांच टेस्ट पेपर सैंपल के रूप में हम आपको जरूर भेज देंगे टेस्ट है तीन फुल टेस्ट आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे अगर आपको चाहिए तो ये जो नाइन फाइव फोर जीरो डबल फोर डबल फोर सिक्स जीरो पर आप अस्थाई इसके दो तीन जो फुल टेस्ट यहाँ पे जो सारे टेस्ट सीरीज हुए हैं उस टेस्ट सीरीज में टेस्ट पेपर और साथ में उसका आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन भेज देंगे ठीक है आप उस पेपर को करके आंसर मिला करके एक्सप्लेनेशन से चीज़, जस्टिफाई वेरीफाई कर लेते कई बार लोग बोलते हैं कि मान तो लो डेढ़ सौ क्वेश्चन है पाँच क्वेश्चन मानिए एरर रह गया ऐसा होता है ठीक है यहाँ पे हम बिल्कुल आई से या बेस्ट ऑफ टैलेंट हम नहीं एंगेज यहाँ पे इम्प्लॉय कर सकते हैं दो हजार ढाई हजार फीस होता है वो फीस लोग नहीं देते नहीं दे पाते हैं हम ऐसी स्थिति में संस्था की अपनी लिमिटेशन होती है एक आध दो चार क्वेश्चन गलत रह सकता है आपको तो डेढ़ सौ में पाँच क्वेश्चन गलत के पीछे आप हमारी आलोचना करते हैं एक सौ पैंतालीस में आप कितना सही किए हैं उसको क्यों नहीं देखते हैं एक सौ पैंतालीस में आप देखिए ना कि आपने कितना गलत किया तो आपके जैसे टैलेंटेड व्यक्ति जब एक सौ पैंतालीस में पता चला कि वह क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहा है या सही की, सही कर ले रहा है 45 क्वेश्चन गलत उससे 45 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो जो एक पेपर बना रहा है उससे दो चार एरर रह गया तो उसके लिए उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना नहीं होनी चाहिए हाँ अदरवाइज हम कोशिश अपनी तरफ से जरूर करते हैं कि जो बेस्ट हो सके एररलेस लेकिन फिर भी ह्यूमन एरर हो जाता है कई बार कुछ चीज़ें आँख से स्लिप कर जाती हैं नहीं रह पा नहीं ध्यान में आ पाता है तो जो पाँच क्वेश्चन जो गलत मान लीजिए कहीं एरर है तो आप उसको सही कर सकते हैं तो सही करके उसको कर लीजिए और नहीं तो उस पाँच क्वेश्चन को छोड़ के एक सौ पैंतालीस में आप सौ क्वेश्चन सही करने की कोशिश करिए ठीक है तो ये इसमें पॉजिटिव माइंड्स रही है हम लोग आपके लिए अवेलेबल रहते हैं हमेशा जो व्हाट्सअप ग्रुप पे जो भी नोट वगैरह होता है पेपर होता है सब बिना किसी शुल्क लिए हुए जब अवेलेबल कराते हैं दो तो चार क्वेश्चन अगर हमारे से भी गलती हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा निगेटिव होने की नहीं है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए मैसेज लिख करके कि भाई हमें पेपर देने पेपर भेजने के लिए आपको पेपर भेज दिया जाएगा और बाकी के बाद जाएंगे तो कोई क्लास नोट्स किसी सेक्शन का क्लास नोट्स इकोनॉमी का चाहिए या पोलिटिकल का चाहिए साइंस का चाहिए कोई किसी का क्लास नोट्स आपको चाहिए तो वो भी आप इस मैसेज करिएगा तो हम आपको क्लास नोट्स भी अदरवाइज़ आस्था है इसमें ए पी के लिए मेन्स का तो फुल बेस्ड जी एस जी एस दोनों पेपर का और एस ए का सारा रिकॉर्डिंग भी हमारे पास अवेलेबल है लाइव क्लासेज भी चल रहे हैं ठीक है ये सब तो मेन्थ्स के लिए चल ही रहा है पी टी के लिए भी यहाँ पे पी एस सी सत्तर के लिए सारे आठों सेक्शन के जो आठ सेक्शन है इकोनॉमी पोलिटी जोग्राफी साइंस बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स और मैथ रीजनिंग आठों सेक्शन का रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है और यहाँ पे शुल्क हमने काफ़ी कम कर दिया वन फोर्थ कर दिया कि अधिक से अधिक लोग उसको ले करके और अपनी जो भी कमी है अगर मान लीजिए आप अस्सी तक पहुँच रहे हैं तो उस वीडियो को देख करके और पंद्रह बढ़ा लीजिए बढ़ा लीजिए और ऐसा जरूर बढ़ जाएगा मुझे लगता है कि और रिकॉर्डेड क्लासेज हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज है मेन्स का तो आस्था इसमें जो भी आपको बी पी के लिए जरूरी लगता है एस की तैयारी जीएस मेंस के दोनों पेपर की तैयारी पी के जो आर्ट सेक्शन है उसकी तैयारी का रिकॉर्डिंग का लाइव रिकॉर्डिंग या टेस्ट सीरीज के जो यहाँ पे बारह तेरह टेस्ट होता है उस टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन ऑफलाइन में ज्वाइन करके आप जो कुछ भी बी में पंद्रह पद में एक पद लाने के लिए जो तो भी आपको सहायता की ज़रूरत है वो सहायता अस्थाई इसमें उपलब्ध है आपके लिए आपको जो चाहिए उसके लिए आप यहाँ पे जो भी फोन नंबर आता है तो उस पर कॉल करके एक नंबर और हमारे पास है ट्रपल एट ज़ीरो ट्रिपल एट फोर थ्री वन पर भी कॉल करके आपको किसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो मिल सकता है लेकिन जो हमने बताया कि टेस्ट पेपर और नोट्स कोई सारा नोट्स तो नहीं जा पाएगा टेस्ट पेपर में से और एक आध दो जो क्लास नोट्स जो आपको लगता है कि आपके पास नहीं है लिए अगर आपको चाहिए तो आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए आपको वो नोट्स भेज दिया जाए ठीक है करंट अफेयर्स भी हमने जैसे बताया था के पहले के वीडियो में बताया था करंट अफेयर्स जो पूरे इन्फोग्राफिक्स करंट अफेयर्स वो भी बुक वो अगर आपको चाहिए तो आपको भेज दिया जाएगा तो करंट अफेयर्स का और कोई ये क्लास नोट्स वगैरह चाहिए या टेस्ट पेपर आप इसके लिए व्हाट्सअप करिए हम तो आपको भेज या जिस तरह के सब हो तो भेजिए या जहाँ आप पढ़ते हैं जिसके ऊपर आपको भरोसा है वहाँ से लेकर के एक पद अपने ले लेने की जरूरत कोशिश ठीक है थैंक यू इस वीडियो में इतना ही ऑल द बेस्ट